हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक वीडियो गेम कंपनी है जो वीडियो गेम बनाती है, ओके, जो आप गेमिंग कंपनी कह सकते हैं, वीडियो जिस जो आप मोबाइल में भी खेलते हैं, आपने शायद इसके गेम खेले भी होंगे, उसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। नज़ारा उस कंपनी का नाम है, बट आपको बताना चाहता हूँ यही कंपनी नहीं, ऑलरेडी एक कंपनी और है जो मार्केट में लिस्ट है जो गेमिंग बनाती है, तो मोनोपोली तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अच्छी खासी कंपनी जो अभी हमें नाम से पता चलेगी और काफ़ी टाइम से ट्रेंड भी कर रही है पिछले एक साल के कि हाँ ये कंपनी आती आ रही है आ रही है आ रही है, तो लोग इज माई मीन्स पीपल आर सो एक्साइटेड टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ कंपनी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो गेमिंग से रिलेटेड है, जो मोनोपोली क्रिएट करती है मार्केट में। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। एज वेल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है एक फ्री में आपका अकाउंट ओपन करने के लिए, किसके साथ, एंजल ब्रोकिंग के साथ, और एक और लिंक दे रखा है यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर इस लिंक पर जाइएगा, इनकी वेबसाइट पे आप लोग को ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दान कर सके, जो भी डोनेट कर सके, पुण्य काम में मदद कर सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड IPO। नज़ारा बड़ा काफ़ी टाइम से फेमस भी है, ओके, गेमिंग से रिलेटेड भी है, एज वेल एज एस इन्वेस्टर अगर बात की जाए राकेश झुंझुनवाला, ओके, तो उन्होंने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है पहले से ही। तो आपको बताना चाहूँ कि ये गेमिंग कंपनी और जिस तरीके से मोबाइल में गेम खेलने का क्रेज़ आजकल चल रहा है, तो ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचर में परफॉर्मेंस दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म की अगर किसी को बैठ है तो उसके लिए अप्लाई करना अच्छा रहेगा, और GMP क्या है वो सब के बारे में हम बातें करते हुए इसमें नज़र आएंगे। तो हम देख लेते हैं पहले गेमिंग। तो अगर गेम की बात की जाए तो मोटू पतलू भीम से रिलेटेड जो गेम होता है, और ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये क्रिकेट गेम हो गई, ओके, यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स, इस तरीके के जो गेम हो गए, तो ये सारे के सारे गेम, और लूडो गेम जो अब बड़ा फेमस है, लूडो गेम जो आजकल खेला जाता है, तो ये सारे गेम कौन बनाता हुआ नज़र आता है, ये कंपनी बनाती हुई नज़र आती है नज़ारा, ओके। तो ये कंपनी का काम क्या है, नज़ारा ये इस कंपनी में गेम बनाती है। अगर बात की जाए ये कंपनी, तो कंपनी इंडिया में ही नहीं, अलग अलग लोकेशंस पे आपको मिल जाएगी, एशिया, अफ्रीका के, ओके, US, मिडल ईस्ट, यहाँ पर सब जगह इनका मतलब हब है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर बिजनेस कर रही है अच्छा खासा। और बात की जाए और कौन सी कंपनी है, तो देखिए डेल्टा कॉर्प जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट है, ये भी देखिए गेम से रिलेटेड यहाँ पर आपको नज़र आएगी, जो कि यहाँ पर इस तरीके की गेम यहाँ पर बनाती हुई नज़र आ रही है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे गेम ऑलरेडी बनते बना पोकर, ओके, एज वेल एज कार्ड्स से रिलेटेड जो गेम है, तो ये सारे के सारे गेम बना रही है कंपनी, ऑलरेडी बना रही है। तो आइए वीडियो की तरफ, हम पहले नज़ारा से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो नज़ारा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या है, एक गेमिंग कंपनी है जो कि इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ई सपोर्ट से जो गेमिंग, अर्ली लर्निंग, तो ये सारी की सारी वर्ल्ड क्रिकेट, कैरम क्लैश, तो इस तरीके के गेम ये मार्केट में मतलब गेम ये कंपनी बना चुकी है ऑलरेडी, और भी अगर अच्छा गेम और मार्केट में आता है तो अच्छा खासा नाम हो जाएगा और अच्छा खासा बिजनेस कर पाएगी, जैसे कहते हैं रियल मनी अर्न करना, तो रियल मनी अर्न कर पाएगी, ओके। तो ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस ऑलरेडी अभी तो नहीं कर रही, अभी मैं आपको इसको फाइनेंशियल दिखाऊंगा, बट हाँ फ्यूचर में अच्छा खासा इसका ग्रुप है कि अच्छा खासा ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है और अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है, क्योंकि ये एक तरीके का मोनोपोली इंडियन मार्केट में। फॉरेन में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां जैसे कि कैंडी क्रश हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, बट इंडियन मार्केट में ये एक मुझे कंपनी नज़र आती है जो अच्छा खासा अट्रैक्टिव गेम जो कि खेला भी जाता है इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका, ओके, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर खेला जा रहा है। अगर इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल वही चीज़ें जो हमेशा घिसपिट के बताते हैं, ओके, वही चीज़ें आपको नज़र आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही क्या ई सपोर्टिंग कंपनीज है, ओके, बिजनेस में ही है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया से बाहर भी है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एज वेल एज बात की जाए एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, ओके, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का मतलब है कि इनको ज़्यादा एसेट की जरूरत नहीं है, जैसे अगर कोई बिजनेस ओपन होता है तो उसे अच्छा खासा बिजनेस करने के लिए अच्छे खासे एसेट की जरूरत होती है, अच्छे खासे स्पेस की जरूरत होती है, बट इसे ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, केवल एक छोटा सा
प्लेस ओके जिसमें कुछ बंदे बैठा दिया जाए और सिंपल वो ये गेम, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर गेम बनाने की कंपनी है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना है और सॉफ्टवेयर से गेम बनाने हैं, दैट्स इट। और ये प्रमोटर्स हैं, इनके बारे में इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी, जाके एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो एक आइडिया आ जाएगा। अब आ जाते हैं रियल थिंग जिसके बारे में हम बात करने हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स। तो देखिए 2018 19 20 और ये 2 6 महीने का डेटा हमारे पास है, टोटल एसेट बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, बट सीधे रिवेन्यू पे आते हैं तो देखिए रिवेन्यू यहाँ पर मेन है। तो 1819 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर 2018 में इन्होंने रिवेन्यू के थ्रू कमाए थे। अगर बात की जाए 1860 2019 में 2621, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखा गया था, ये इधर इन्होंने अर्न किए थे। फिर इसके बाद टोटल रिवेन्यू 2070 ओके यहाँ पर इन्होंने टोटल रिवेन्यू पिछले 6 महीने में अर्न किया है। बट अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 करोड़, यहाँ पर 67 करोड़, यहाँ पर देखिए नेगेटिव में आ गया है, मतलब उन्होंने यहाँ पर घाटा किया है 266.15। और अगर यहाँ पर बात करें इस पिछले 6 महीने में 101.107 यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, प्रॉफिट मतलब कि नेगेटिव में। क्यों है? तो इसके पीछे का रीज़न है कि इन्होंने अपने कैपेक्स में ज़्यादा खर्च किया है, इन्होंने शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी इनको बिजनेस एक्सपेंड करने में या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उन्होंने उस चीज़ में यहाँ पर अच्छे खासे मतलब 32 करोड़ रुपये के आसपास इन्होंने खर्च किए थे, जैसे कि मैंने पढ़ा था कहीं पर। तो इस वजह से बताना चाहता हूँ यहाँ पर इनका ये नेगेटिव 2020 में होता हुआ नज़र आया, तो उसी का असर यहाँ पर है। बट फ्यूचर में जिस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो दिखाई देती, आगे भी ग्रोथ दिखाई दे सकती है, तो इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के चलना है। और मोनोपोली टाइप का बिजनेस है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें फ्यूचर में हो सकता है। और एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की इसमें अच्छी खासी होल्डिंग भी है। अब देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो देखिए अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, उसी का बेनिफिट लेने के लिए ये यहाँ पर अपना IPO उतार रहे हैं। और लगभग कितना सेल कर रहे हैं ये OFS के थ्रू, ओके OFS के थ्रू 52,94,392 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं, और OFS ही है, फ्रेश इशू आई थिंक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। IPO की डेट बात की बात करते हैं तो डिटेल्स की बात कर लेते हैं, 17 तारीख को 17 मार्च को ये ओपन होता हुआ नज़र आएगा, 19 को क्लोज हो जाएगा। 4 रुपये का फेस वैल्यू है, अगर बात की जाए 1100 और 1101 रुपये का इसमें कट ऑफ प्राइस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1101 पे ही कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना होगा। 13 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं कम से कम ओके 13 लॉट मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 1 लॉट में 13 शेयर है। अगर बात की जाए BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा, 582.91 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ये ओवरऑल यहाँ पर इतने शेयर कितने 52,94,392 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 4 यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएंगे। तो अगर बात की जाए यहाँ पर और डिटेल्स की, तो सीधे बात कर लेते हैं 17 मार्च को ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा, 24 को अगर किसी को मिला होगा तो पता चल जाएगी, अगर नहीं मिला होगा 25 को फंड रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा, 26 को क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट में, और 30 तारीख को IPO डेट यहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ हमें मार्केट में नज़र आएगा। तो जैसे कि बताया 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और 13 मैक्सिमम, तो 1 लॉट 1,413 का है, और 13 लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1,86,069 का यहाँ पर नजर आएगा। प्रमोटर की अभी होल्डिंग कितनी है 24.16% की है, तो नई कंपनी थी, अच्छा खासा पैसा लेके अच्छे से खासी कंपनी को बढ़ा रही है यहाँ पर ये। अब बात कर लेते हैं कि ये कितना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, तो अगर बात की जाए तो 75% इन्होंने रखा है QIB के लिए, 75% रिजर्व कर रखा है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और एज यूजुअल अच्छी कंपनी जब लिस्ट होने होती है तो वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल थोड़ा सी रखती है, तो 10% जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में रखा था, पैसा डबल कर दिया उसके बाद मौका ही नहीं मिला। तो अगर बात की जाए यहाँ पर 10% केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, तो अगर आप अलग अलग अकाउंट से ओके अलग अलग अकाउंट से मतलब अलग अलग लोग अपने घर में 6 लोग हैं, 6 का अकाउंट है, अलग अलग से अप्लाई करते हैं, तो शायद आपको एक चांसेस मिल सकता है कि आपको पैसा यहाँ पर ये एक अलॉट में मिल सके। अगर GMP की बात करें तो 620 रुपये का GMP चल रहा है, तो अगर 1100 प्लस 620 की बात करें तो लगभग 1720 रुपये का यहाँ पर मार्केट में लिस्ट हो सकता है, अगर ये मार्केट में अच्छे खासी लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आए तो। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 19 और 30 यहाँ के बीच में 11 दिन का अंतर है, 11 दिन में अगर कुछ भी मार्केट में ऊपर नीचे होता है, और हर आपको पता ही है वीकली एक्सपायरी वगैरह सब चीज़ इसी के अंदर आ जाएगा ओके, वो भी मंथली एक्सपायरी सॉरी
तो यहाँ पर अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो इसका जीएमपी गिर सकता है, और आपको कम प्राइस पे भी ये जितना दिखा रहा है उतने पे लिस्ट होने से शायद कम हो जाए, या फिर ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये उस टाइम टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, अगर कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई, मार्केट अच्छा चला तो अच्छा खासा लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। और इसका अगर बात कर दूँ कि इसका सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में 1500 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये मार्केट में मिल रहा है। ओके, और राकेश झुनझुनवाला की अच्छी खासी इसमें होल्डिंग भी है। तो यही मेरा बताने था, अगर वीडियो ये कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एक बार हेल्प ले लीजिएगा। बाकी एंकर इन्वेस्टर्स, ओके 17 को ये आ रहा है तो 16 को पता चलेगा कि एंकर इन्वेस्टर्स ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो तो अच्छा खासा इन्वेस्ट इसमें करेंगे ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और कोई भी अलग वीडियो चाहिए हो उससे रिलेटेड आप पूछिएगा तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, हो हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।